सीरीज अब कंप्लीट हो गई है और इसके सभी एपिसोड तो दोस्तों वांडा विजन सीरीज अब कंप्लीट हो गई है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। ये टीवी शो हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर साबित हुआ, पर कई लोग इसका मजा नहीं उठा पाए क्योंकि ये शो हिंदी में रिलीज नहीं हुआ था और ऊपर से इसकी स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसीलिए आज मैं वांडा विजन सीरीज की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सभी एपिसोड्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पर ही फोकस करूँगा। और इस सीरीज की स्टोरी काफी घुमा फिरा के दिखाई गई है, लेकिन मैं पूरी स्टोरी को सीधे सीधे ही समझाऊंगा। तो ये कहानी है एवेंजर्स एंड गेम के बाद की। एंड गेम में जो फाइनल बैटल हुआ था उसके ठीक 3 हफ्ते बाद वांडा मैक्सिमॉफ स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में जाती है। स्वॉर्ड शील्ड की जैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। विजन जो कि इन्फिनिटी वॉर में मर गया था उसकी डेड बॉडी स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में रखी हुई थी। वांडा उसकी बॉडी लेने के लिए वहां जाती है ताकि वो विजन का फ्यूनरल कर सके, पर स्वॉर्ड के डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड उसे विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं। फिर वांडा वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में जाती है। कुछ साल पहले वांडा और विजन ने ये तय किया था कि वो दोनों वेस्ट व्यू नाम के एक शहर में अपना घर बसाएंगे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट खरीद के रखा था। पर जब स्वॉर्ड वाले वांडा को विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं, तब वो दुखी होकर वेस्ट व्यू में अपने प्लॉट पर जाती है। वांडा ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया था। पहले उसके माँ बाप मारे गए, फिर उसका भाई, उसके बाद उसका प्यार विजन भी मर गया। इस सब से वो पहले ही बहुत दुखी थी। ऊपर से जब वो विजन का फ्यूनरल भी नहीं कर पाई तो उसके सबर का बांध टूट गया। उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उसकी पावर्स ने भयानक रूप ले लिया। और तब वांडा की बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकली जिससे उस खाली जगह पर एक घर बन गया। वो पूरा शहर भी उसकी एनर्जी से चेंज हो गया और तो और उसकी शक्ति से एक नए विजन का जन्म हो गया। वांडा ने अपनी पावर से पूरे वेस्ट व्यू शहर की रियलिटी ही बदल दी और उसे अपने हिसाब से ढाल लिया। वांडा को बचपन में सिटकॉम्स यानी कॉमेडी सीरियल देखना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने अपनी इस रियलिटी को पुराने सिटकॉम के स्टाइल में बनाया था। और यहाँ जो विजन मौजूद था उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो बस वांडा को जानता था और उसे प्यार करता था। फिर वांडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। वांडा ने जब वेस्ट व्यू पर अपनी पावर यूज करी तो बाहर की दुनिया से वो शहर और उसके लोग कहीं गायब हो गए। इसीलिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए FBI एजेंट जिमी वू को बुलाया जाता है। पर जिमी वू के लिए भी ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए वो स्वॉर्ड के लोगों से मदद मांगता है। फिर स्वॉर्ड के डायरेक्टर मोनिका रेम्ब्यू को इस काम के लिए भेजते हैं। मोनिका रेम्ब्यू मारिया रेम्ब्यू की बेटी है जिसे हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। मारिया अब मर चुकी है और मोनिका अब स्वॉर्ड की एजेंट बन चुकी है। मोनिका जिमी वू की मदद करने के लिए वेस्ट व्यू में जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि उस शहर के बाहर एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है। जब मोनिका उस एनर्जी फील्ड के पास जाती है तो वो उसके अंदर खींच ली जाती है। फिर जिमी वू इस बारे में स्वॉर्ड को बताता है और तब स्वॉर्ड के लोग वेस्ट व्यू शहर के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं और वो इस मामले की जांच करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट को बुलाते हैं, जिनमें से एक थी डार्सी ल्यूस जिसे हम थॉर की मूवीज में देख चुके हैं। डार्सी अब एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी है। वो यहाँ आकर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे एक अजीब से सिग्नल का पता चलता है जो कि वेस्ट व्यू शहर से आ रहा था। डार्सी उस सिग्नल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल है जिससे वांडा विजन नाम का एक टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा था। उस शो में जब मोनिका दिखाई देती है तो स्वॉर्ड के लोग समझ जाते हैं कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और उस एनर्जी फील्ड के अंदर मौजूद लोग उस शो के कैरेक्टर बन गए हैं जिसमें वेस्ट व्यू शहर के सभी लोग शामिल थे। स्वॉर्ड FBI और सभी साइंटिस्ट मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। उधर वांडा की वो रियलिटी पुराने सिटकॉम से नए सिटकॉम में बदलती जा रही थी और अब वहाँ सब कुछ कलरफुल बन गया था। कभी कभी वांडा की अपनी रियलिटी पर से पकड़ छूटने लगती थी और वहाँ थोड़ी गड़बड़ होने लगती थी, पर वांडा उसे ठीक कर देती थी और वो किसी को भी अपनी इस दुनिया में इंटरफेयर नहीं करने देती। फिर एक दिन मोनिका गलती से वांडा के सामने कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वांडा ये समझ जाती है कि मोनिका स्वॉर्ड की एक एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है, इसीलिए वो मोनिका को वेस्ट व्यू से बाहर निकाल देती है। फिर मोनिका स्वॉर्ड के लोगों को ये बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे वांडा का हाथ है, इसीलिए स्वॉर्ड का डायरेक्टर हेवर्ड वांडा को एक आतंकवादी बोल के उसे मारने का फैसला करता है। पर मोनिका इस बात का विरोध करती है क्योंकि वांडा ने अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर डायरेक्टर हेवर्ड सबसे ये झूठ बोलता है कि वांडा ने विजन की बॉडी चुरा कर उसे जिंदा किया है जो कि कानून के खिलाफ है, इसीलिए वो वांडा को मारने के पीछे पड़ गया था। पर मोनिका डार्सी और जिमी वू डायरेक्टर हेवर्ड का विरोध कर रहे थे, इसीलिए वो उन तीनों को वहां से निकाल देता है, जिसकी वजह से उन्हें हेवर्ड पर शक होता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है और वो तीनों उस पर नजर रखने लगते हैं।
उधर वेस्ट व्यू के अंदर वोंडा दो जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसके बच्चों में भी मैजिकल पावर्स थी, इसीलिए वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वोंडा की जिंदगी अब लगभग परफेक्ट बन चुकी थी, पर फिर भी विजन इससे खुश नहीं था। उसे अपनी जिंदगी काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था। विजन को अपने वजूद पर ही शक होने लगा था, पर वोंडा बार बार उसका ध्यान भटका रही थी। फिर एक दिन विजन सच का पता लगाने के लिए वेस्ट व्यू शहर की बॉर्डर पर पहुंच जाता है और वो उस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही वहां से बाहर आता है तो उसकी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है। ये विजन वोंडा की बनाई हुई उस रियलिटी में ही जिंदा रह सकता था, इसीलिए वो वहां से बाहर आने पर मौत की कगार पर पहुंच जाता है। उधर वोंडा को जैसे ही ये पता चलता है कि विजन वेस्ट व्यू के बाहर चला गया है और वो मरने वाला है, तो वो अपनी रियलिटी की बाउंड्री को बढ़ा देती है। उससे विजन बच जाता है, पर इसके साथ ही स्वॉर्ड के कई मेंबर्स भी वेस्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं और वो वोंडा की सिटकॉम का हिस्सा बन जाते हैं। डार्सी भी वेस्ट व्यू के अंदर आ गई थी। विजन को ये समझ में आ गया था कि डार्सी उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए वो अपनी पावर से डार्सी को वोंडा के काबू से बाहर कर देता है और वो उससे काफी सवाल जवाब करता है। डार्सी विजन को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है कि वो कैसे बना, उसने क्या क्या किया और वो कैसे मरा। दूसरी तरफ मोनिका ये फैसला करती है कि वो दोबारा वेस्ट व्यू के अंदर जाएंगी ताकि वो वोंडा को समझा सके और उसे डायरेक्टर हेवर्ड से सावधान कर सके। मोनिका इसके पहले जब उस एनर्जी फील्ड के अंदर गई थी और जब वो उसमें से बाहर निकली थी तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे, और जब वो तीसरी बार उसके अंदर जाती है तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाती है। फिर मोनिका वोंडा के पास पहुंचती है तो वोंडा उस पे बहुत गुस्सा होती है। मोनिका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वोंडा की पड़ोसी एग्नेस उसे मोनिका से दूर लेकर चली जाती है, और फिर हमें एग्नेस की असलियत पता चलती है। एग्नेस जो कि वेस्ट व्यू में वोंडा की पड़ोसी थी और वो हमेशा वोंडा का बहुत ख्याल रखती थी, वो असल में एक विच यानी चुड़ैल थी। उसका असली नाम था अगाथा हार्कनेस। अगाथा सेलम की रहने वाली एक विच थी जो कि डार्क मैजिक का यूज करती थी। उसके इस काले जादू के इस्तेमाल की वजह से उसके कबीले वालों ने उसे मौत की सजा सुनाई, मगर अगाथा ने उन सबकी पावर एब्जॉर्ब करके उन्हें ही मार दिया, और तब से लेकर आज तक वो हर पावरफुल मैजिशियन की पावर्स एब्जॉर्ब कर रही है। जब वोंडा ने वेस्ट व्यू में अपना जादू चलाया तो अगाथा को दूर से ही उसकी पावर्स की भनक लग गई, इसीलिए वो वेस्ट व्यू में आ पहुंची। वहां अगाथा ने देखा कि वोंडा ने अपनी पावर से पूरे शहर और उसके लोगों का रंग रूप बदल दिया है। वो वोंडा की इस बेमिसाल शक्ति का राज जानना चाहती थी, इसीलिए वो उस पर नजर रख रही थी। यहां तक कि उसने वेस्ट व्यू के एक लड़के को वोंडा का नकली भाई बनाकर उसके पास भेजा था ताकि वो उससे सच जान सके, पर जब अगाथा की कोई चाल कामयाब नहीं हुई तो उसे खुद वोंडा के सामने आना पड़ा। पर वोंडा को खुद अपनी शक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए अगाथा उसे उसके अतीत में लेकर जाती है, जिससे अगाथा को ये पता चलता है कि वोंडा एक विच है और इसके पास बचपन से ही मैजिकल पावर्स है। और जब हाइड्रा ने उसके ऊपर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई और वो बन गई स्कारलेट विच यानी सबसे पावरफुल विच, जिसकी मैजिकल पावर्स बेहद खतरनाक है और वो कुछ भी बना और मिटा सकती है। अगाथा वोंडा की शक्तियाँ हासिल करना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें स्पोर्ट के डायरेक्टर हेवर्ड का प्लान पता चलता है। हेवर्ड असल में विजन को वापस जिंदा करके उसे एक हथियार बनाना चाहता था। उसने उसे ठीक करने की हर कोशिश कर ली थी, मगर बिना माइंड स्टोन के विजन जिंदा नहीं हो पाया। फिर बाद में जब वोंडा ने वेस्ट व्यू का खेल शुरू किया तो हेवर्ड को एक मौका मिल गया। उसने जब वोंडा को मारने के लिए वेस्ट व्यू के अंदर एक ड्रोन भेजा और वोंडा ने उस ड्रोन पर अपनी पावर इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक दिया, तो हेवर्ड का काम हो गया। उस ड्रोन के ऊपर वोंडा की एनर्जी मौजूद थी। जब विजन की बॉडी को असेंबल करके उसे वोंडा की एनर्जी से चार्ज किया गया तो वो चालू हो गया, मगर अब वो पहले जैसा इमोशनल नहीं था, वो बस एक रोबोट था। हेवर्ड उस विजन की पुरानी मेमोरीज डिलीट करके उसे वोंडा और वेस्ट व्यू वाले विजन को मारने के लिए प्रोग्राम कर देता है। फिर ये नया व्हाइट विजन वेस्ट व्यू के अंदर जाता है। वहाँ अगाथा और वोंडा की लड़ाई चल रही थी। व्हाइट विजन वहाँ पहुँच कर वोंडा को मारने लगता है, लेकिन तभी दूसरा विजन वहाँ आकर वोंडा को बचा लेता है। फिर एक तरफ अगाथा और वोंडा का मुकाबला होता है और दूसरी तरफ विजन वर्सेस व्हाइट विजन का। वोंडा अगाथा से बहुत पावरफुल थी, पर उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अगाथा उस पे भारी पड़ रही थी और वो उसकी पावर्स एब्जॉर्ब करती जा रही थी। फिर अगाथा वेस्ट व्यू के सभी लोगों पर से वोंडा का कंट्रोल हटा देती है। फिर वो सभी लोग वोंडा पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने उन्हें कई दिनों से काबू करके रखा था। इसीलिए वोंडा कुछ देर के लिए अपनी एनर्जी फील्ड ओपन करती है ताकि वो लोग वहां से बाहर निकल सके। पर इस मौके का फायदा उठाकर हेवर्ड अपनी आर्मी लेकर वेस्ट व्यू के अंदर घुस जाता है और वो सब पे हमला करने लगता है, पर वोंडा के बच्चे और मोनिका हेवर्ड की आर्मी को संभाल लेते हैं। उधर अगाथा वोंडा को ये बोलती है कि अगर वो उसे अपनी शक्तियाँ दे दे तो वो वेस्ट व्यू को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर वहाँ से चली जाएंगी ताकि वोंडा और उसकी फैमिली खुशी से वहाँ रह सके। पर वोंडा को ये मालूम था कि अगाथा झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे अपनी शक्तियाँ देने का नाटक करती है और वो उसे अपने एक जाल में फंसा देती है, जिससे अगाथा अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती। फिर वोंडा अगाथा की ही सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है।
और तब वो पूरी तरह से बन जाती है स्कारलेट विच। वांडा अगाथा को मारती नहीं बल्कि वो उसे एग्नेस का रूप देकर वेस्टव्यू में कैद कर देती है ताकि अगर कभी उसे अगाथा की जरूरत पड़े तो वो वहाँ आकर उसकी मदद ले सके। दूसरी तरफ विजन व्हाइट विजन को ये एहसास दिलाता है कि वो खुद असली विजन है, मतलब अगर वो अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा तो उसे खुद को ही मानना पड़ेगा। फिर विजन व्हाइट विजन की सारी मेमोरीज को रिस्टोर कर देता है और व्हाइट विजन वहाँ से चला जाता है। फिर वांडा ये फैसला करती है कि वो अपनी खुशी के लिए पूरे शहर की बलि नहीं चढ़ाएगी और वो वेस्ट व्यू पर से अपना मैजिक हटाना शुरू कर देती है। फिर वांडा अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाती है और वो सबसे आखिरी बार मिलकर उनसे विदा लेती है। फिर वांडा का मैजिक हटते ही उसका घर और परिवार सब गायब हो जाते हैं। फिर वांडा मोनिका को अलविदा कहकर सबसे बहुत दूर चली जाती है ताकि वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख सके। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में स्वॉर्ड के डायरेक्टर हेवर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और मोनिका से मिलने के लिए एक स्क्रल वहां आता है जिसे उसकी मॉम के पुराने दोस्त ने वहां भेजा था, जो कि मोनिका से स्पेस में मिलना चाहता था। शायद यहां निक फ्यूरी की बात हो रही है। निक फ्यूरी मोनिका की मॉम मारिया का ओल्ड फ्रेंड है। निक फ्यूरी को हमने आखिरी बार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में एक स्पेसशिप में स्क्रल्स के साथ देखा था। शायद निक फ्यूरी मोनिका को किसी मिशन के लिए स्पेस में बुला रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वांडा दिखाई देती है जो कि किसी अनजान जगह पहाड़ों में अकेली रह रही थी। आगे हमें दिखता है कि वांडा अपने एस्ट्रल फॉर्म में एक बुक पढ़ रही है। ये बुक है डार्क होल्ड, जो कि एक डार्क मैजिक की बुक है और वो पहले अगाथा के पास थी, पर वांडा ने उसकी शक्तियों के साथ उससे ये बुक भी ले ली थी और अब वांडा इस